हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत लोग मुझे मैसेज करता है या कमेंट भी करता है जो लोन रिकवरी एजेंट बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं फोन कॉल करके, तो ये कैसे बंद किया जाए। तो मेरा जो ये 3 महीने में जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हेल्प जरूर मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, पहले ही जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल, अनसिक्योर्ड जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका बिल या पर्सनल लोन जो भी हो, ये अगर जब दे नहीं पाएंगे, मान लीजिए आपका 15 तारीख है डेट, तो आपने मिस कर दिया, तो उसके बाद तुरंत 1-2 दिन के अंदर या 2-4 दिन में आपका बैंक के तरफ से फोन आ जाएगा। नॉर्मली फोन करेगा जो कि किस लिए आप दे नहीं पा रहे या कुछ वगैरह आपसे जानकारी लेगा। तो जैसे उन लोगों का मालूम चल जाएगा आप अभी दे नहीं पाएंगे, तो वो लोग तो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपका जो फोन नंबर है या जो भी है ये आपको लोन रिकवरी एजेंट के पास ये ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद क्या अगर होगा, जैसे ही आपका डेट चला जाएगा 3-4 दिन, तो ऐसे बैंक से फोन आएगा। उसके बाद क्या होगा, 3-4 दिन के बाद ये लोन रिकवरी जो एजेंट होता है उन लोगों के पास से आपका फोन आना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए 20 से 25 बार या 30 बार भी फोन आएगा आपके पास, ठीक है। और मतलब सुबह मान लीजिए 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप लोगों के पास फोन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बंदे का आपने बात किया, आपका पूरा डिटेल्स बोला जाए किस लिए आप दे नहीं पा रहे हैं, किस परिस्थिति में है, किस कारण आप दे नहीं पा रहे, वो बंदा सब समझ लेगा फोन से। उसके बाद वो फोन रख देगा। 10 मिनट बाद देखेंगे वही बंदा फिर आपको फोन करेगा, फोन करके बोलेगा सर आप पैसा कब देंगे वो बोलिए। तो आप जैसे ही उनको पूछेंगे जो आपसे तो 10 मिनट पहले ही बात हुआ, तो वो बोलेगा क्या, बोलेगा ये तो ऑटो कॉल जनरेट है, तो आप बोलिए पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसे मतलब ये लोग क्या चाहते हैं, आपको मेंटली हैरेसमेंट करना और कुछ नहीं है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब करना और हैरेसमेंट करना। आप अगर उन लोगों का अगर पूछेंगे जो आप आईडी नंबर बोलिए, आपका जो आईडी है तो आईडी बोलिए, वो बोलेगा नहीं। आप एजेंसी का नाम पूछिए, बोलेगा नहीं। ऐसा भी नहीं, वो लोग रविवार को भी फोन करता है, संडे का दिन जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके हिसाब से संडे का दिन फोन नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद सीनियर के पास कॉल ट्रांसफर गया, तो सीनियर ने मेरे पास माफी मांगा जो संडे को हमने फोन कर दिया। 10 मिनट बाद देख रहा हूँ फिर एजेंसी के पास से फोन आ रहा है। तो ये लोग सिर्फ आपको मेंटली हैरेसमेंट और परेशान करना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ बैंक तो आपसे नॉर्मली बात करेगा, लेकिन कुछ बैंक जो होता है वो आपसे गलागल करके या खराब लैंग्वेज से बात करेगा। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ये लोग कोई मतलब खराब लैंग्वेज से आपसे बात नहीं कर सकता है, फिर भी ये लोग ये सब करता रहेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इससे बचने के लिए आपको जो फोन रिकॉर्ड है वो हमेशा चालू रखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए। और वो लोग जब कोई भी गालागाल दे या कुछ भी दे आप मत दीजिएगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। और कॉल रिकॉर्ड हमेशा चालू रखिएगा और जो फोन आ रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर दिन में अगर 40 बार भी फोन आ रहा है बैंक के तरफ से या एजेंसी के तरफ से पैसे के लिए, ठीक है, तो वो भी गलत काम कर रहा है, ठीक है। और खराब लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो भी गलत काम कर रहा है। तो ये सब लेके आपका जब पास जो फोन रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड रहेगा या स्क्रीनशॉट रहेगा वो आपका एक प्रूफ के तरफ काम आएगा, क्योंकि अब अगर किसी जगह जाके आप कंप्लेन करेंगे तो प्रूफ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, आरबीआई का वेबसाइट है, आरबीआई का वेबसाइट में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, थाने में जाके भी आप हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं जब आपका मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, या कंज्यूमर फोरम में जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा उससे सबसे बेहतर है, ठीक है, बैंक को मेल कीजिए, बैंक को मेल करके पूरा जो आपके पास प्रूफ है वो भेज दीजिए, तो उसके बाद आरबीआई का जो वेबसाइट है उसमें जाइएगा। लेकिन मुझे जो लगता है अगर बैंक को अगर मेल करेंगे, अगर ट्विटर में जाके ट्वीट करेंगे तो ये बहुत काम देता है। और देखिएगा जो ये हैरेसमेंट कॉल है ये बहुत कम हो जाएगा। और एक बात बोल देता हूं, देखिए फोन कॉल जब भी आए, अगर 10 बार आपके पास फोन आए, ठीक है, उसके अंदर आप 4 उठे या 6 नहीं उठा पाए तो आपने कोई क्राइम नहीं किया, ये बात आप दिमाग के अंदर सोच लीजिए, मतलब बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें से अगर चार भी फोन उठा लिया और 6 फोन आपने उठा नहीं पाया तो उसमें कोई क्राइम नहीं होता है, ठीक है, फोन कॉल। हाँ, लेकिन हाँ
कभी भी गलत बात आप मत बोलिएगा, जब भी फोन आए उसमें आप गलत बात बोलिए मत बोलिएगा, ठीक है, इससे बचिएगा, ठीक है। और आपके अंदर जो भय है, जो डर है, वो पहले निकालिएगा, तभी आप इन लोगों के साथ बात कर पाएंगे। मेरा दिया हुआ जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों के पास अगर पैसा है तो फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। और जो रिकवरी एजेंट लोग RBI का गाइडलाइन नहीं मान रहे, उन लोगों के ऊपर थोड़ा सख्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।